किसान भाइयों का स्वागत है। आयशा प्लांट के द्वारा लगाए गए नींबू के पौधे जो आज मैं किसान भाइयों आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए एक साइड चल रहा है, बिल्कुल फूल पक के तैयार हो चुका है। इधर फूल भी पड़ा हुआ है, एक साइड फूल पड़ा हुआ है, इधर पकने के लिए तैयार है, गुच्छों में नींबू लगा हुआ है। देखिए ये देखिए फूल पड़ा हुआ है। देखिए किसान भाइयों, अगर कोई भी किसान भाई आके देखना चाहता है तो आ सकता है नींबू के पौधे देखने के लिए। देखिए कैसे गुच्छों में नींबू लगा हुआ है, इतना बड़ा पौधा नहीं जितने ज़्यादा एक टाणी को कम से कम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस टाणी को यहाँ से लेके यहाँ तक 7 नींबू के छोटे छोटे नींबू लगे हुए हैं। इधर फूल भी पड़ा हुआ है, ये देखिए फूल भी पड़ा हुआ है, ये देखिए 7 में ही फूल पड़ा हुआ है। ये देखिए पकने के लिए, ये पकने वाला है नींबू। ये देखिए आगे से दूर दूर तक नींबू के पौधे हैं। अगर कोई भी किसान भाई आके देखना चाहता है तो आके देख सकता है। ये मौसम्मी का पौधा है, देखिए ये मौसम्मी का, इन्होंने हमारे से 100 मौसम्मी लगाई थी, जो कि 100 की 100 कामयाब है। इसमें भी फ्लावरिंग आ रही है, अभी शुरुआत हो चुकी है फ्लावरिंग की। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये है फ्लावरिंग है। नज़दीक से मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट है। और भी मैं आपको घुमाता हूँ नींबू के बाग में, बड़ी अच्छी केयर कर रखी है इन्होंने। ये मौसम्मी के पौधे हैं, ये केयर टेक कर रहा है लड़का, ये केयर कर रहा है, जो इस बाग का देखभाल करता है। और भी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कैसे गुच्छों में नींबू लगा हुआ है। ये परमानेंटली नींबू है, गुच्छों में नींबू लगता है। एक देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कम से कम कुछ पकने वाला है, कुछ पकने के लिए तैयार है, कुछ फूल भी आ रहा है इनमें। कम से कम 8-10 नींबू लगे हुए हैं। ये देखिए फूल भी पड़ रहा है, देखिए फूल इधर कुछ इन्होंने तोड़ा भी है माल, ऐसी बात नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5 ये छोटे है, ये छोटे है, 2, 5, 2, 7 नींबू। ये देखिए कैसे इधर लगे हुए हैं, इधर लगे हुए हैं, ये पकने के, ये फूल भी पड़ा हुआ है, देखिए फूल पड़ा हुआ है। अगर कोई भी किसान आके देखना चाहता है तो देख सकता है। आयशा प्लांट के द्वारा लगाए गए नींबू के पौधे जो आज 2.5 साल के हो चुके हैं।